जम्मू को यूपी बनाने की कोशिश जो है वो की जा रही है। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, क्योंकि जम्मू से जो वारदातें सामने आ रही हैं, कहीं ना कहीं ऐसा काम जो है वो यूपी बिहार में होता था, लेकिन अब जम्मू में भी इस तरीके के मामले जो है वो सामने आ रहे हैं। मामला कुछ यूं है कि एक दलित परिवार को तंग किया जा रहा है एक स्वर्ण जाति के लोगों द्वारा। मामला ये प्रेम संबंध का है। बताया जा रहा है कि प्रेम विवाह जो है वही जो है पूरा मसला बन गया, जब उस परिवार को अब लगातार जो है मारने की धमकियां आ रही हैं, उनको काटने की धमकियां आ रही हैं। और ऐसा ही मामला ये जम्मू के पोनीचक में सामने आया है, जहां पर आपको बता दूं कि एक युवक ने शादी की थी, लेकिन वहीं अगर देखा जाए वो युवक जो था वो दलित परिवार का था और शादी उसने एक स्वर्ण जाति के जो लड़की थी उससे की। उसके बाद लड़की वालों की तरफ से तमाम धमकियां जो थी उस परिवार को आ रही है, और बार बार ये कहा जा रहा है कि हम आपके लड़के को मार देंगे, आपके परिवार को काट देंगे। आपको ये भी बता दूं कि इस सब के बीच में उस दलित युवक के पूरे घर को जला दिया गया है, उनका परिवार जो है मजबूर हो गया है लोगों के घर पे रहने के लिए। ये कहें कि अपने घर को छोड़े हुए लगभग उनको एक महीना हो चुका है। आपको ये भी बता दूं कि उसके बाद वो पुलिस के पास भी गए, लेकिन पुलिस लगातार तमाशा देखती रही। उनका कहना है कि ये मामला 23 तारीख से शुरू हुआ है और 23 तारीख से लेके अभी तक पुलिस की तरफ से जो है रिटर्न FIR देने के बाद भी ये मामले पर कोई भी सुनवाई नहीं हुई है। मजबूरन अब उनको इसकी पूरी जानकारी जो है ADGP मुकेश कुमार के पास पहुंचानी पड़ी, SDPO के पास पहुंचानी पड़ी, SHO के पास पहुंचानी पड़ी। अभी तक ये बताया जा रहा है कि कुछ भी इस तरीके का नहीं हुआ है, यानी वो अक्यूज्ड खुलेआम जो है वो घूम रहे हैं, यानी विक्टिम फैमिली जो है वो लगातार परेशान हो रही है, लोगों के घर पे रहने के लिए मजबूर हो रही है। आपको बता दूं कि जम्मू के पोनीचक की बात की जाए तो गांव भगतपुरा बताया जा रहा है यहां की ये पूरी घटना है, और उसी पर जो है एक एडवोकेट रजत ने पुलिस अधिकारियों से मुलाकात करते हुए एक FIR जो है वो दर्ज करवाई है। ये पूरी क्या घटना है हम आपको विस्तार में बताएंगे, कौन से गांव का मसला है और क्या मसला है ये आप तक पूरे बात जो है हम पहुंचाएंगे। आपको बता दूं कि ये गांव मैंने आपको बताया है कि पोनीचक का भगतपुर गांव है जहां का ये पूरा वाक्या है। और आपको ये भी बता दूं कि ये मामले की बात करें की जाए तो संपूर्ण जी के ये परिवार है, जहां पर बताया जा रहा है कि लगभग कल की बात करते हैं 8:30 और 9:30 बजे के करीब का ये पूरा वाक्या है, जब उनके घर को जला दिया गया है, उनका घर का कीमती सामान जला दिया गया है और साथ ही साथ उनके घर में जो कीमती जेवर थे वो भी चुरा कर जो है वो लेके गए हैं। ऐसा उन्होंने कहा है क्योंकि उनको लगातार धमकियां आ रही थी, क्योंकि वो दलित परिवार है। और वहीं पर जो विक्टिम फैमिली है उनका कहना है कि उनके लड़के ने शादी की है दूसरी कास्ट में, तो ऐसे में लड़की परिवार का ये कहना है कि ये दलित परिवार के हैं, छोटी जात के हैं, तो वो छोटी जात के लोगों को उस मोहल्ले में उस जगह पर नहीं रहने देंगे। और ऐसी ही जानकारी जो है उन्होंने खुद बताते हुए कहा है, उन्होंने कहा है कि जो दबंग परिवार है उनके परिवार द्वारा उनके घर पर पेट्रोल फेंका गया और पेट्रोल से पूरा घर जो है उनका जला दिया गया। उसके बाद आपको ये भी बता दूं कि एक रिटन एप्लीकेशन जो है उन्होंने सब इंस्पेक्टर पोनीचक को दी थी, लेकिन वहां पे एप्लीकेशन देने के बाद भी कुछ नहीं हुआ, कुछ भी एक स्टेप जो है पुलिस की तरफ से नहीं लिया गया। अब ऐसे में हो सकता है कि पुलिस के ऊपर उस दबंग फैमिली का प्रेशर हो, या ये भी हो सकता है कि कोई भी कार्रवाई करने से पहले वो ये सोच रहे हो कि क्या और ज्यादा किसी को परेशानी नहीं। हालांकि ये पुलिस का नजरिया है, वो किस तरीके से सोच रही है, जबकि कार्रवाई जो है पुलिस को तुरंत करनी चाहिए थी, क्योंकि मामला यहाँ पे किसी को मारने का, किसी के मर्डर का, किसी के घर के जलाने का मामला जो है ये सामने आया है। वहीं पर आपको बता दूं कि उन्होंने ये कहा है कि 3 तारीख को उस दबंग परिवार ने उनके घर पर तोड़फोड़ की, उनका सारा सामान जो है वो तोड़फोड़ किया, और ये कहा गया कि आपको जो है आगे भी बहुत चीजें भुगतनी पड़ेंगी। उसके बाद उन्होंने जब उनके घर में 3 तारीख को तोड़फोड़ हुई, उसके बाद वो पुलिस के पास गए, लेकिन पुलिस ने कुछ नहीं किया। उसके बाद 13 अप्रैल की बात की जा रही है, 13 अप्रैल को भी उनको धमकियां मिली। ये उन्होंने कहा कि तुम छोटी कास्ट के हो, हमारी लड़की तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। यानी मामला यहाँ पे SC ST एक्ट का भी है, क्योंकि किसी को दलित कहना, और अगर आज की बात की जाए तो सभी को
बराबर का जो संविधान में लिखा गया है कि बराबर का हक है सबको जीने का और बराबर की जो सभी की अहदेदारी है वो यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पे मामला जो दलित को एक छोटी कास्ट बताने का है वो मामला भी यहाँ पे बनता है। आपको बता दूं कि उन्होंने ये कहा है कि हमारी बेटी ने छोटी कास्ट में शादी की है, जबकि लड़के का कहना है कि शादी जो हुई है पूरी आर्य समाज पूरे डॉक्यूमेंट जो है वो कंप्लीट है, कोर्ट की तरफ से भी कंप्लीट है और उनकी जो मैरिज है वो पूरे तरीके से वैलिड है। वहीं पर आपको बता दूं कि अब जो दबंग परिवार है वो लगातार उनको धमकियां दे रहा है, वो ये नहीं चाह रहा है कि लड़की जो है उस लड़के के साथ रहे, और ये माँ जब से वो घर से गए हैं तब से लेकर वो पूरे लगातार जो दबंग परिवार है वो लड़की पक्ष को, जो लड़के पक्ष है उनको, परिवार को परेशान कर रहा है। और कल रात के ही वाक्य में उनके घर पर पेट्रोल छिड़का गया, पूरे आग लगाई गई, और ये भी कहा जा रहा है कि कीमती डॉक्यूमेंट्स है, कीमती जो जेवर है यानी गोल्ड का जो सामान है वो भी उनके घर से चोरी करके वो फैमिली ले गई है, यानी अगर दबंग परिवार की बात की जाए जो लड़की की तरफ से है। वहीं पर बताया जा रहा है कि अब एडवोकेट रजत द्वारा बताया जा रहा है कि उनके ऊपर 436 आईपीसी के धारा के तहत मुकदमा जो है वो भी दर्ज करवाया गया है, लेकिन विक्टिम फैमिली का कहना है कि वो इस चीज से सेटिस्फाई नहीं है क्योंकि मामला यहाँ पर उनके घर पे जो है वो सामान भी चोरी किया गया है, गोल्ड का भी सामान चोरी किया गया, और सबसे बड़ी बात है कि उनको बार बार ये कहा जा रहा है ये छोटी जात है, इनको यहाँ पर रहने ही नहीं दिया जाएगा। मामला यहाँ पे SC ST का जो है वो भी सामने आ रहा है, जातिवाद का मामला सामने आ रहा है, छोटी कास्ट को बार बार जो दलित दलित कहा जा रहा है उसका मामला भी जो है यहाँ पे सामने आ रहा है। आपको बता दूं कि उन्होंने ये कहा है कि उनकी शादी जो है प्रॉपर तरीके से हुई थी, उसके बाद पुलिस की बात की जाए तो जब पुलिस के पास गए तो पुलिस की तरफ से कोई भी कदम जो है उचित नहीं लिया। उनका कहना है कि उनको रिटर्न एप्लीकेशन भी उन्होंने पहुंचाई है, लेकिन बावजूद इसके पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है। ऐसे में उन्होंने ये कहा है कि अगर पुलिस आने वाले समय में कोई ठोस कदम नहीं लेती है हमारे ऊपर तो हम मजबूर हो जाएंगे सड़कों पर आने के लिए, हम मजबूर हो जाएंगे अपनी आवाज को उठाने के लिए। आपको ये भी बताते चले कि उनको लगातार ये भी धमकियां मिल रही हैं कि उनको मार दिया जाएगा, उनके परिवार को काट दिया जाएगा, और ये भी उनको कहा जा रहा है कि जिस मोहल्ले में जिस गाँव में वो रहते हैं उनको उस गाँव में भी नहीं रहने दिया जाएगा। इस कदर जो है मामला बढ़ गया, हालांकि ये है तो जम्मू है लेकिन इसको यूपी का जो शक्ल है वो देने की कोशिश जो है वो की जा रही है। उसके साथ आपको बता दूं कि उन्होंने ये भी कहा है कि वो लगातार जो धमकियां मिल रही हैं उसके बाद वो चौकी अफसर के पास भी गए हैं, चौकी अफसर की तरफ से भी कुछ नहीं हुआ, उसके बाद वो पोनीचक दमाना में भी उन्होंने जो है फिलहाल जो पर्चा दिया है, वहीं पर उनके कॉर्पोरेटर साहब ने भी पूरी घटना ये बताई है। उन्होंने कहा है कि 23 मार्च के बाद ये मामला उठा है जब से लड़का और लड़की घर पर नहीं है और उनके लड़की वालों के पास पूरे डॉक्यूमेंट्स पहुंच गए और तब से ही जो है सारा सामान तोड़फोड़ उन्होंने करना शुरू कर दिया। और ये भी कहा जा रहा है कि तुम छोटी जात के हो, तुम्हारे साथ नहीं रहने दिया जाएगा। और ऐसे में विक्टिम फैमिली इस समय परेशान है, मजबूर हो गई है वो पड़ोसियों के घर में रहने के लिए और किसी के घर पे कहने की। उनका कहना है कि लगातार वो एक महीने से अपने घर से दरबदर है, तो जब वो घर पे नहीं थे तो इस बीच उन्होंने उनका घर जला दिया है, और अगर कोई घर पर होता तो उसकी जान भी जा सकती थी क्योंकि जब पूरा घर जलाया गया, पेट्रोल फेंका गया, घर भी जला, उनकी वॉश बेसिन तोड़ी गई थी, उनका फ्रिज तोड़ा गया था, घर में अन्य कीमती सामान जो रखा था वो उसको अपने साथ चोरी करके ले गए हैं। अब आपको ये बता दूं कि उसके बाद वो SHO साहब के पास भी गए हैं और उसके बाद SHO और SDPO साहब द्वारा जो है चौकी अफसर के पास ये पूरा मैटर गया। उन्होंने कहा है कि उनका जब घर जलाया गया है तो उसके बाद उन्होंने पूरी बात हर जगह की है, SHO साहब के साथ, SDPO के साहब के साथ और ADGP मुकेश सिंह के साथ भी उन्होंने बात की है। उन्होंने कहा है कि उन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द वो कार्रवाई करेंगे, और अगर वो कार्रवाई नहीं करते हैं तो उनका कहना है कि वो सड़कों पर भी आएंगे, और सड़कों पर आने के बाद अपने हक के लिए, जो उनको दलित कहा गया है, जो हमें कास्ट का हवाला दिया गया है, जो कहा गया है कि हम छोटी जात वाले हैं, उन सबको जो है हमें अपना हक मांगने के लिए, हमें अपनी चीजें प्रूव करने के लिए सड़कों पर आना गया है। आपको ये भी बता दूं उनका ये कहना है कि जो वो फैमिली है, दबंग फैमिली है, वो उनको ओपनली जो है वो धमकियां दे रही है, उनको कह रही है कि मार देंगे, काट देंगे और आपको यहाँ पर भी नहीं रहने देंगे जहां पर आप रह रहे हो। तो ये काफी मामला जो है यूपी वाली जो शक्लें हैं इस समय ली जा रही हैं, जहां पे आप धबल्ले से जो है किसी को भी मार दोगे, किसी का भी सर काट दोगे और किसी को भी धमकियां खुलेआम आप दोगे। कहीं ना कहीं पुलिस को इस पूरे मैटर पर संज्ञान जल्द से जल्द देना चाहिए ताकि ये मैटर यहीं पर सॉल्व हो जाए, इसके बाद कोई उग्र रूप जो है वो ना ले। आपको हमने वीडियो भी दिखाई है हमारे पेज पर, न्यूज इन मिरर पर आपको वो वीडियो भी मिल जाएगी जहां पर वो विक्टिम फैमिली, उनके एडवोकेट पूरी और कॉर्पोरेटर साहब पूरी मैटर बता रहे हैं, जहां पे उनका कहना है कि जातिवाद को लेकर जो है ये पूरा मसला चला है। हालांकि जो लड़का और लड़की ने शादी की है वो पूरी जो मैटर है
वो कोर्ट के थ्रू है, आर्य समाज के थ्रू ही है, मैरिज उनकी वैलिड है, लेकिन वहीं पर जो दबंग फैमिली है, जो लड़की वालों की फैमिली है, उनका ये कहना है कि वो छोटी कास्ट वाले लड़के के साथ उसको नहीं रहने देंगे। आपको ये बता दूं कि आए दिन ऐसे मामले जो हैं वो अलग अलग स्थानों से आ रहे हैं, चाहे मखनूर की बात करें, पोनीचक की बात करें, या और कोई भी इस तरीके का इलाका है, वहां से ये मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो ऐसे में परेशानी जो है उन परिवारों को हो रही है जो लगातार अपने एक महीने से घर से बाहर हैं और अब उनके घर को जला दिया गया है। आप समझ सकते हैं कि लोगों ने एक एक रुपया करके जो है जोड़ा होता है और अपने परिवार का पालन पोषण वो इतनी मुश्किल से करते हैं, लेकिन ऐसे में अब उधर दबंग परिवार इनको जीना मुश्किल कर रहा है। हम यही जो रिक्वेस्ट है वो करेंगे पुलिस प्रशासन से जल्द इस मैटर पर संज्ञान लिया जाए, क्योंकि विक्टिम फैमिली भी इस समय जो है परेशान है। मामला जम्मू का है और हैरान कर देने वाला मामला है, यहाँ पर यूपी बनते हुए दिखाई दे रहा है। फिलहाल तक के लिए आप देखते रहें हर खबर का आईना हमारे साथ, न्यूज़ एंड मिरर के साथ। नमस्कार।